यूपी के जिला सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का आगमन हुआ। श्री सिंह ने संकटा देवी मंदिर जाकर माता रानी के दर्शन किए व बार एसोसिएशन में वकीलों को शपथ दिलाई तथा महमूदाबाद बस स्टॉप के लोगों ने मंत्री जी का फूल मालाओं से स्वागत करते हुए सम्मानित किया। महमूदाबाद बस स्टॉप पर श्री सिंह ने पौधारोपण किया व यात्रियों से असुविधा के बारे में पूछा। मंत्री जी ने बस स्टॉप पर यात्रियों को छाया, पानी, एटीएम के साथ साथ सारी सुलभ सुविधाओं को देने का वादा किया है। मंत्री जी ने बताया कि महिला सुरक्षा के लिए सीट के पास एक बटन लगा होगा जिसे दबाने पर पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी तथा नैमिष धाम के लिए जल्द ही बस चलाने की बात कही। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए सरकार ने तय किया है कि समस्त यात्री जो परिवहन से यात्रा करते हैं उनको समय का पता चलना चाहिए, बस की सफाई होनी चाहिए और एक तरह का जहां पर बस रुकती है उनको वह सुविधाएं सब मिलना चाहिए, चाहे सुलभ का हो शौचालय, चाहे किसी प्रकार का हो, वह सुविधाएं यात्री को मिलना चाहिए, यात्री को कोई कष्ट न हो, सुगम यात्रा कर सकें, एक तरह का ठीक ढंग से यात्रा उनका हो जिनके कारण कोई परेशानी हो। परिवहन विभाग इसी पर चिंता कर रहा है। सर, पिछली भाजपा सरकार ने टोकन चलाया था जिससे मोटर मालिकों को बहुत ही राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद केंद्र से टाइप सही न होने के कारण उसको बंद कर दिया गया था। कि भाजपा सरकार इस बार बहुमत से क्या 15-20 साल 25 साल के बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। हमारे सामने समय चैलेंजिंग है, बहुत समस्याएं, समस्या का समाधान करना है और योगी सरकार आते ही वो समस्या सब समाधान हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे शहरी में 24 घंटे बिजली दी जा रही है, किसानों का कर्ज माफ किया गया, आज समिति सोसाइटी पर गेहूं का परचेज और समय से हो रहा है, लोग कर रहे हैं। परिवहन विभाग में उत्तर प्रदेश के अंदर ओवरलोडिंग गाड़ियां, डग्गामारी बसें, ये कंट्रोल हो रहा है। आज समय से लोगों को बस मिला, समय से सफाई हो रही है, बस स्टेशन डिपो स्वच्छ है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये हम ख्याल कर रहे हैं। आगे आने वाला और जनता को सुविधाएं देंगे, आने वाला सभी बसों के अंदर इमरजेंसी बटन लगवाने वाला हूँ, यदि किसी लड़की या महिला के साथ कोई छेड़छाड़ होगा वो बटन दबते ही फोर्स आएगा, यानी पूरी बस सुसज्जित करने वाले हैं और ये सब व्यवस्था हम धीरे धीरे लागू करने वाले हैं। सर, एक चीज, पूछताछ का कोई यहाँ पे नंबर नहीं है, अब शुरू होने वाला।